तिरंगा हमेशा लहराता रहेगा भाई। आई लव ले फ्रेंड्स, हम पहुंच चुके हैं कारगिल वॉर मेमोरियल में। देख सकते हैं सामने तिरंगा और कारगिल विजय दिवस, और ये है हमारे फौजी भाइयों का यहाँ कारगिल वॉर मेमोरियल। ये देख सकते हैं पीछे लोग सब पिक्चर ले रहे हैं, और ये द्रास कारगिल रोड है लेके लिए जा रहा है। और अभी आपको पूरा अंदर से भी एक्सप्लोर करके दिखाता हूँ अंदर क्या क्या है जो शहीद हुए हैं कारगिल युद्ध में हमारे वीर जवान। तो ये एंट्री है, और आपको आई कार्ड लेके यहाँ एंटर करना है। आप कुछ भी आधार कार्ड पैन कार्ड यहाँ दिखा सकते हैं। तो आइए अंदर चलते हैं। और के सामने जो आप पहाड़ी की चोटी देख रहे हैं, वहां से दुश्मन ने अटैक किया था कि श्रीनगर और लद्दाख के रोड को कट ऑफ कर दिया जाए। तो यहाँ नीचे से ऊपर खड़े हुए पाकिस्तानी फौजियों को यहीं से मुंहतोड़ जवाब दिया। ऊपर गए, पूरा वो एरिया कैप्चर किया जिसमें बहुत सारे हमारे फौजी शहीद भी हुए थे। उन शहीदों का ये देख सकते हैं यहाँ पे सबके पत्थर और तिरंगा लगा हुआ है, वो मैं आपको अभी डिटेल में बताता हूँ। तो पाकिस्तान की शर्मिंदगी का पूरा इंतजाम किया हुआ है। यहाँ देख सकते हैं कारगिल में कैप्टन बत्रा की टीम ने जो आप बंकर देख रहे हैं जिसपे पाकिस्तान का उल्टा झंडा लगा हुआ है, किसी देश का झंडा डाउन हो जाए इससे बड़ी शर्मिंदगी नहीं होती। कैप्टन बत्रा की टीम ने देखिए हजारों गोलियां बरसाई जब पाकिस्तानी सैनिक इसके अंदर छुप कर बैठे हुए थे, और इसे टुकड़े टुकड़े कर दिया था। आर्मी उठाकर लाई और यहाँ डिस्प्ले में रखा हुआ ताकि पाकिस्तानी याद रखें। सलूट है उन शहीदों को अपनी जवानी में जो अपनी जान देते हैं देश के लिए। तो ये उनकी याद में है, तो पूरी रिस्पेक्ट के साथ आप ये पूरा वीडियो देखिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और इस साइड में ये मेमोरियल हॉल है, इसके अंदर वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है। और ये देख सकते हैं यहाँ पे ये तिरंगा हमेशा लहराता रहेगा, और यहाँ पे बैठकर फ़ोटो और वीडियो लेना मना है, और जो लाल रिबन लगे हैं उन्हें क्रॉस करना मना है। ये सबसे पहले मेन गेट पर फौजी भाई हमें बता देते हैं। तो देख सकते हैं ये चारों तरफ ये सारा कारगिल वॉर मेमोरियल है। तो इस साइड में ये देख सकते हैं ये सारे उनकी याद में शहीदों की ये सब पत्थर, और हर पत्थर के साथ एक तिरंगा लगा हुआ है, और हर किसी को ये नसीब नहीं होता भाई। टू कट ऑफ कश्मीर फ्रॉम लद्दाख बाय हिटिंग नेशनल हाईवे नंबर 1 सर। ये देख सकते हैं कितने हमारे फौजी भाई शहीद हुए थे। हम लोगों ने जीत हासिल कर ली है। दुर्गा माता की। तो जो सामने जो देख सकते हैं दोस्तों तिरंगे के साथ हमारे आर्मी के जवान जो स्टैचू है, ये आज इस दुनिया में नहीं है लेकिन हर हिंदुस्तानी के दिल में जरूर है। और देख सकते हैं ये सारे जितने इन मेमोरियल ऑफ सबके नंबर और हवालदार हैं जो यहाँ जिस भी पोस्ट पे थे उनका वो रैंक यहाँ पे लिखा हुआ है, और हर पत्थर के साथ ये देख सकते हैं तिरंगा लगा हुआ है, सबके नाम बैच पोस्ट यहाँ पे लिखा हुआ है। फौजी भाई जो शहीद हुए थे इस कारगिल वार में, और सामने ये वो पहाड़ी है, और वो सामने जो आप चोटी देख रहे हैं सबसे हाइट पर ये जो चोटियां आप देख रहे हैं इनकी बैक साइड पे वहाँ से पाकिस्तानी फौजियों ने यहाँ पे अटैक किया था।
और वो इस मकसद में नाकाम इसलिए हुए कि हमारे फौजियों ने उन्हें मुंह तोड़ जब जवाब दिया। मेन मकसद उनका यही अभी फौजी भाइयों ने बताया है कि लद्दाख को श्रीनगर से कट ऑफ करने के लिए, मतलब चोरों की तरह वो इन पहाड़ियों से ऊपर अपनी चौकी बनाकर नीचे आना चाहते थे। सामने आने से तो मतलब इतना दम नहीं है कि सामने से आके वो लड़ सके या टकरा सके, तो चोरों की तरह यहाँ से घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे, और जिन्हें मार गिराया हमारे फौजी भाइयों ने। और आज यहाँ देखिए तिरंगा लहरा रहा है। उनके नापाक इरादे ये थे कि यहाँ पाकिस्तान का झंडा रह रहा है। ये सारी यहाँ चोटियाँ, पहाड़ी की चोटियाँ देख सकते हैं। ऊपर से लड़ना और नीचे से लड़ना बहुत मुश्किल होता है, फिर भी हमारी सेना ने ऊपर जाकर अपने तिरंगे को लहराया, विजय ध्वज ऊपर जाकर लहराया। उसी की याद में ये सब देख सकते हैं, ये हमारी फौजी भाइयों के स्टैचू, और जो शहीद हुए हैं उनकी याद में ये सब पत्थर लगे हुए हैं। और ये सब आप पॉज करके पढ़ सकते हैं, बैटल ऑफ जोजिला, सागा ऑफ वॉरियर्स, तो आप पॉज करके ये सब पढ़ सकते हैं। 15 पंजाब 1 पटियाला, पैराशूट फील्ड रेजिमेंट 8 राजपूत, और 4 एंजर रेजिमेंट एंड 201 एंजर रेजिमेंट, और ये 1/5 हाफ रॉयल गोरखा राइफल्स, 1/5 GRFF। तो आप ये सब चाहें तो वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। 7th लाइट कैवलरी, और ये 4 राजपूत, और यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये देख सकते हैं कितने हमारे आर्मी के जवान इस युद्ध में शहीद हुए हैं। तो ऐसे ही नहीं भाई आज़ादी मिलती, इसके पीछे आप देख सकते हैं कितनी कुर्बानियाँ हैं, कितनी माओं के बेटे हैं जो यहाँ शहीद हुए हैं देश की रक्षा के लिए। तो प्लीज़ रिस्पेक्ट ऑफ इंडियन आर्मी, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि हर कोई यहाँ नहीं आ सकता है, लेकिन कारगिल की वार के बारे में सब जानते तो हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि देख सकते हैं ये कितने सैकड़ों फौजी हमारे यहाँ इस वॉर में शहीद हुए हैं। क्योंकि इंडिया कभी भी पहले अटैक नहीं करता है, लेकिन कोई दुश्मन हमारी भूमि पर आए तो उसे मुंह तोड़ जवाब देना हमारी आर्मी को, हमारी सेना को आता है, और इस पूरी सेना के पीछे करोड़ों हिंदुस्तानी खड़े हैं, सीना ठोक कर खड़े हैं हम अपनी आर्मी और अपनी सेना के पीछे। सल्यूट है इन सभी जवानों को जो शहीद हुए हैं हमारे देश के लिए, हमारी देश की आन बान शान के लिए, हमारे तिरंगे के लिए। और सब जो भी आ रहा है अंदर से अपने आप, यहाँ देखिए सब जो सलूट कर रहे हैं निकलती है रिस्पेक्ट। तो यहाँ देख सकते हैं कारगिल वॉर मेमोरियल पे, यहाँ खाने पीने के लिए भी है पठान ढाबा, और ये पार्किंग है 30 रुपए की पार्किंग पर्ची है यहाँ पे। तो यहाँ पर आराम से गाड़ी खड़ी करके अंदर मेमोरियल में जाकर हमारे शहीद जो जवान थे उनके बारे में जान सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं। तो ये सारी पार्किंग है कारगिल मेमोरियल के बाहर साइड पे, और देखिए बहुत सारे बाइकर्स आ रहे हैं अभी।